Good morning, students. In last class, we were discussing about internet access. I have already told you what is dial-up connection, what is broadband connection, what is direct connection, and their features, advantages, and disadvantages. Today, we will discuss about various things which are very important for your exam point of view. तो आज आम एम जिनस डिस्कसन करवा जोटा कि तुम एग्जाम बहुत इम्पोर्टाट सीरीयली प्राय क्वेश्चन आसे सीएचएससी एग्जामिनेशन रे तेणु युवाक इम्पोर्टाट दि मार्किया तीन मार्किया क्वेश्चन आसे तुम मैंने युवाक पढ़व एवं क्लासटा देख तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट व्हाट इज वेबसाइट तो व्हाट डू मीन बाय वेबसाइट वेबसाइट कहले आम कौन बुझू तुम्हें माने वेबसाइट विषय डिस्कशन वेबसाइट तुम्हें माने जानी थी बा तुम्हें माने केबे केबे वेबसाइट मध्य एक्सेस करी थी तो वेबसाइट कहले आम कौन बुझू ना वेबसाइटा हूँ गोटे वेब आड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होया ऑल द इनफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोर्ड ओके ताले वेबसाइट कौन वेबसाइट इज द वेब आड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर All the information about that particular organization are stored. ताले वेबसाइटा है वेब आड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इनफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आर स्टोर्ड बुझेला ताहले एडा गोटे वेब आड्रेस जो थे कि कौन हुए ना तुम जिते भी इनफॉर्मेशन अच्छी से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिते भी इनफॉर्मेशन अच्छी सब इनफॉर्मेशन स्टोर होकर रही था तो तुम्हें कही पार वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस तो आम वेब पेज रहाय नहीं था इनफॉर्मेशन गैदर करने कौन सी इनफॉर्मेशन आमर स्टोर करार अच्छी सपोज तुम गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वेरियस प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट तुम्हें कौन करुच ना प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस रखीच बा तुम पर्चेजिंग प्राइस रखीच जहाँ भी इनफॉर्मेशन तुम्हें स्टोर करीच प्रोडक्ट विषय किसी लिखा चाहूँ प्रोडक्टर कौन स्ट्रेंथ अच्छी तुम्हें लिखा चाहूँ प्रोडक्टर कौन एडवांटेजेस अच्छी तुम्हें लिखा चाहूँ ताल तुम्हें कौन कर ना से पर्टिकुलर प्रोडक्ट विषय तुम्हें कौन से गोटे पेज यूज कर जो पेज कि पेजटा कौन हुए व्यू हुए बा तुम कौन हुए यूजर को डिस्प्ले थाए यूजर से ताद्वारा जापे से प्रोडक्ट विषय एवं से प्रोडक्टर इनफॉर्मेशन पाई थाए बुझे से कौन कह जाए से पेजटा को आम वेब पेज बोली कही था ताले वेब पेज कौन मु तुमको कहबी वेब पेज केमी गठन कराए तो वेबसाइटा कौन वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस ताले इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस वेबसाइट टा किसी वेब पेज को लेकिन गठित एवं मु तुमको कहली वेब पेज रे इनफॉर्मेशन स्टोर होता है तो डिटेल्ड इनफॉर्मेशन जिते भी प्रोडक्ट अच्छी जेकोसी इनफॉर्मेशन अच्छी गोटे कंपनी सब इनफॉर्मेशन गुड़ाक आम स्टोर करने कौन करेरियस वेब पेजेस
कनेक्शन मैंने कौन कलेक्शन नहीं था बस वेरियस वेब पेज को नहीं था कलेक्ट करी था वेरियस वेब पेज को कलेक्ट करी कौन तन डिटेल्ड इनफॉरमेशन आम स्टोर करके रखी था का विषय वेबसाइट विषय ताले ऑल वेब पेजेस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक बुझिपारछ कि नहीं तेणु सबू पेज गुड़ाक कौन होता ना गोटाए आ गोटाए सहित इंटरकनेक्टेड होकर रही था कमी ना हाइपरलिंक द्वारा ताले ऑल वेब पेजेस हाँ इंटरकनेक्टेड with each other with the help of a link is called hyperlink ताले जो लिंक द्वारा कौन है था ना तुम्हार इंटरकनेक्टेड है कि रही था इच अदर सहित वेब पेज गुड़ाक प्रत्येक कौन गोटे आ गोटे सहित कनेक्ट होकर रही था तो से कनेक्शन बा लिंकटा को आम कौन कही था हाइपर लिंक कही था तले इच अदर विद द हेल्प ऑफ ए लिंक इज कॉल्ड व्हाट ना हाइपर लिंक ओके इज कॉल्ड हाइपर ओके ताले तो आमे कहली जे वेब एड्रेस गोटे ऑर्गेनाइजेशन लो वेब एड्रेस बा तुम्हें कही पार इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस वेब पेज को लेकिन कौन है था ना तुम गोटे वेबसाइट गठित होता है ओके ताले आमे जो वेब पेज गुड़ाक नहीं था वेब पेज रो बेस पेज टाक आम कौन कही था होम पेज बोली कही था ताले द बेस्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज द बेस्ट पेज अच्छा बेस्ट पेज कौन बेस्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज ताले बेस्ट पेज कौन ना आम जितेबले कौन सी गोटे वेबसाइट खोली था वेबसाइट रो प्रथम जो पेजटा आसी थाए एवं से पेज रु सब पेज गुड़ाक इंटरलिंक होकर रही था ताले प्रथम जो पेजटा आसी थाए दैट इज कॉल्ड बेस्ट पेज और से आम कही था होम पेज ऑफ द वेबसाइट ताले बेस्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज ताले एग्जांपल तुम्हें दे पार वेरियस एग्जांपल वेबसाइट तुम्हें एग्जांपल दे पार कौन कौन एग्जांपल अच्छी वेबसाइट तुम सपोज गोटे है तुम सपोज तुम कॉलेज जेकोसी कॉलेज तुम्हें सपोज साई कॉलेज रे पढ़ुच ताले कौन है www.sai.college.org ऑर्गेनाइजेशन बुझिपार कमर्सील ऑर्गेनाइजेशन आम ओ आर जी नहीं था कंट्री बेस्ड अच्छी आम इंडिया आईएन नहीं था यूके यूनाइटेड किंगडम यूके नहीं था तेणु कंट्री बेस्ड अच्छी तुम कौन एजुकेशनल इंस्टिट्यूट आम EDU नहीं था यहाँ हूँ जेनेली कौन ओआरजी टा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आम नहीं था आम ये कम लिखिदार कमर्सील पर्पज आम ये कम लिखिपरिपर इज फर कमर्सील पर्पज www.saikollege.com ओके तले वेरियस वेबसाइट आम आहरी अच्छा www.tatasteel.com www.jspl.com वेरियस वेबसाइट्स आर देयर बाय व्हिच वी कैन फाइंड द डिटेल्ड इनफॉरमेशन अबाउट दिस कंपनीज जो जाद्वारा कि आम डिटेल्ड इनफॉरमेशन पाई से कंपनी विषय ओके क्लियर तले इट इज ऑल अबाउट द वेबसाइट एटा होची वेबसाइट देन वेब पेज व्हाट इज वेब पेज
वेब पेज कहले कौन बुझ तो मु तुमको वर्तमान भी कहूली तुम मानकर वेब पेज विषय टी धारणा हो जाए वेब पेज कौन ना वेब पेज इज द सिंगल पेज ऑफ ए वेबसाइट कंटेन्स वेरियस डाटा ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट ताले तुम्हें कौन तुम्हें तुम्हें कंपोनेंट कहींपर गोटे वेबसाइट वेब पेजटा गोटे कंपोनेंट बा सिंगल पेज वेब पेज इट इज द सिंगल पेज ऑफ ए वेबसाइट कंटेन्स वेरियस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन about the website. Okay, or you may call it is the component of a website. ताले एटा गोटे वेबसाइट रो कंपोनेंट बुझे कौन कथा ताले कौ कौ प्रकार रो डाटा ये रखी थाए गोटे वेब पेज तमें मु तुमको कही वेबसाइट इज द कनेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस नथिले वेबसाइट हो पारिबनी तेणु वेब पेजटा कौन ना तुम गोटे सिंगल पेज जोटा कि तुम कौन हो जाए ना तुम्हें ताको कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट कहींपर जो डिटेल इनफॉर्मेशन बा इनफॉर्मेशन स्टोर होती थाए जमीक तुम वीडियो डाटा हो ऑडियो डाटा हो टेक्सचुअल डाटा हो तो यही प्रकार डाटा सब कौन थाए ना तुम वेब पेज रे थाए ओके क्लियर ताले वेब पेजटा केमी आम या वेब पेज आम केमी लिखी था वेब पेज कनसीस्ट अफ भेरियस टेक्स हाइपर टेक्स कहीपर ये वेब पेजटा क्रिएट होता है गोटे प्रोग्रामिंग लांगुएज द्वारा क्रिएट होता है दैट प्रोग्रामिंग लांगुएज इज कॉल्ड HTML बाय तुम वेब पेज इज क्रिएटेड बाय ए प्रोग्रामिंग लांगुएज कॉल्ड HTML वेब पेज इज क्रिएटेड और डिजाइन यू मे कॉल क्रिएटेड और designed by a programming language called HTML. HTML तुम्हें मैंने पढ़ू थो HTML वेब पेज क्रिएशन तुम्हें मैंने पढ़ी थी बुझ ये कौन कथा HTML इज ए टैग बेस्ड लांगुएज तुम्हें जानी थी जे वर्तमान प्राय तुम्हें मैंने HTML पढ़ुच सार पढ़ाऊँ तेणु HTML टा आम डिस्कसन करवा तेणु HTML टा कौन ना HTML टा हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लांगुएज यार फुल फर्म आसे HTML रो फुल फर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ऑफ लांगुएज ताले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लांगुएज बुझे कौन कथा ताले वेब पेजटा कौन ना तुम HTML द्वारा क्रिएट हो थाए HTML आउ गोटे DHTML आम मु तुमको कहबि जिते ये केते प्रकार वेब पेज केते प्रकार ताले मु तुमको कहली वेब पेजटा कौन ना वेब पेज गोटे सिंगल पेज ऑफ ए वेबसाइट होयार द इनफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट आर स्टोर्ड जो थे कि वेबसाइट रो इनफॉर्मेशन स्टोर एटा गोटे कंपोनेंट बुझ पार्टी कौन कथ जोटा कि क्रिएट होता है गोटे प्रोग्रामिंग लांगुएज द्वारा जहाँ को कहा जाए HTML ओके इट इज अ टू टाइप ताले दि प्रकार वेब पेज अच्छी टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस आर देयर वन इज स्टार्टिंग वेब पेज टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस आर देयर वन इज स्टार्टिंग
static web page, and another one is dynamic. Okay, so static web page, or second hella kono dynamic web page. दु प्रकार वेब पेज अच्छी गोटे स्टार्टिंग वेब पेज ताले स्टार्टिंग वेब पेज इज क्रिएटेड बाय एचटीएमएल स्टार्टिंग वेब पेजटा एचटीएमएल द्वारा क्रिएट होता बेले डायनामिक वेब पेजटा डीएचटीएमएल द्वारा क्रिएट हो थाए डीएचटीएमएल रो फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ताले डाला डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओके देन व्हाट इज स्टैटिक वेब पेज स्टैटिक वेब पेज कहिले कौन बुझो बुझिपच स्टैटिक वेब पेजटा जेनेली स्टैटिक इन नेचर स्टैटिक इन नेचर माने तुम्हें कहींपर इट इज नॉट एनिमेटेड बुझिपाटा को एनिमेशन करहब ना आउे यहाँ रन कलापर इट कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर रन टाइम पर एडिट करहब ना जोटा कि एचटीएमएल द्वारा क्रिएट हो था ओके स्टैटिक वेब पेज Static web page is static in nature. Okay, cannot be animated. Cannot be animated. Okay, or cannot be animated. Edited after runtime. So static web page ta emiti gote web page jouta ki animated kori hobo nahi animated hei paribani ba tume edit kori paribani animated edited after runtime eta animated kori hobo ni animation tume janithibo tume powerpoint janithibo powerpoint re ame animation karanti ba kodosi gote movable picture ame athire movable picture rakhi pariba nahi ba movable kodosi letter rakhi pariba ni ebong eta kon edit madhyam kori hobo nahi रन टाइम परे हमें कौन सी चेंज करी परिबा नहीं ओके ताले इट इज क्रिएटेड और डिजाइन डिजाइन बाय एचटीएमएल ताले हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा एटा कौन है थाए क्रिएट है थाए बाय डिजाइन करा जाए था ओके सही भाई भाव रे ताले एटा कौन स्टैटिक वेब पेज ता एचटीएमएल ले क्रिएट हैला आउ डेटा को एडिट करि हबो नाही रन टाइम परे एटा मध्य अनलिमिटेड हबो नाही तो नेक्स्ट हैला कौन तुम्हारा डायनामिक वेब पेज डायनामिक वेब पेज व्हाट इज डायनामिक वेब पेज कहले कौन बुझ स्टैटिक डायनामिक इन नेचर दैट मीन्स व्हिच कैन बी एनिमेटेड एंड एडिटेड आफ्टर रन टाइम दैट मीन्स वी कैन चेंज एनीथिंग आफ्टर रन टाइम आमे रन टाइम पर एडिट करेंज करवेबल पिक्चर आम रखिपर ओके इट इज टाइप ऑफ वेब पेज Type of web page generally dynamic in nature. Okay, dynamic means what
it can be animated, it can be edited after runtime. ତାହେଲେ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏ ପେଜ୍ଟା ତୁମର ଏଡ଼ିଟ୍ କରିହେବ ବା ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଓକେ ତ ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଭେବୁଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ତୁମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ଓକେ କ୍ଲିୟର୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଏ ଡାଇନାମିକ୍ ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ by DHTML. DHTML ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଡାଇନାମିକ୍ ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାହେଲେ DHTML ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ବା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବାଉଟ୍ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ